नमस्कार दोस्तों, हमारे यहाँ पे जनजाति के ये आज आखिरी पार्ट होगा और उम्मीद करूँगा कि पीछे के पार्ट आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, राजस्थान जीके टॉपिक वाइज उसमें जाइएगा और उसमें से आप पढ़िएगा। और राजस्थान पुलिस की अपनी सीरीज चल रही है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो इस प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदुओं के लिए। और यार इनको नोट जरूर कर लिया करो अपनी नोटबुक में, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। चलिए शुरू करते हैं कंजर जनजाति का अपना पहला पार्ट। ये तो देखिए, राजस्थान में कंजर जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में कंजर जनजाति है मोस्टली कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर और अजमेर जिलों में पाई जाती है। कंजर जनजाति है वो एक घुमंतू प्रकार की जनजाति है। कंजर जनजाति का मुख्य पेशा अपराध है, ध्यान रख लीजिएगा, चोरी करने वाली जनजाति है ये, ध्यान रख लीजिएगा। कंजर जनजाति मोस्टली चोरी करती है बहुत बार, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। कांकन चार का क्या अर्थ है दोस्तों? कांकन चार का अर्थ है वनों में विचरण करना। चलिए हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। किस जनजाति की औरतें सुंदर और नाचने गाने में प्रवीण होती है? तो दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा, कंजर जनजाति है उसकी जो औरतें हैं वो सुंदर होती है और नाचने और गाने में क्या होती है, प्रवीण होती है। कंजर शब्द किससे बना हुआ है? कंजर शब्द है वो कानन चार से बना हुआ है, और कानन चार का मतलब होता है वनों में विचरण करना। पाती मांगना क्या है? अपराध करने से पूर्व ईश्वर से प्रार्थना करना, पाती मांगना है। तो ध्यान रख लीजिएगा, कंजर जाति किन वृक्षों की पूजा करती है? तो कंजर जाति है वो पीपल, नीम और बरगद है, उनकी मुख्यतः पूजा करती है। कंजर जाति के मुखिया को कहते हैं पटेल। कंजर लोग कब झूठ नहीं बोलते? कंजर लोग है वो हनम राजा का प्याला पीकर कभी भी, हनम लिखा है हाकिम राजा है, कई बार ये भी लिखा होता है हाकिम या हनम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। कंजर जनजाति कुलदेवी कौन है? जोगणिया माता। ध्यान रख लीजिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोगणिया माता किन की कुलदेवी है? तो दोस्तों ये कंजर जनजाति कुलदेवी है जोगणिया माता। खुशनी क्या है दोस्तों? खुशनी है वो कंजर महिलाओं के द्वारा कमर में पहने जाने वाला वस्त्र है। या कंजरों का लोकप्रिय वाद्य यंत्र क्या है? तो दोस्तों ढोलक और मजीरा है। किस जनजाति के घरों में किवाड़ नहीं बल्कि घरों के चारों ओर दरवाजे और खिड़कियां पाई जाती हैं? दोस्तों कौन सी जनजाति है जिनके घरों के किवाड़ नहीं होते हैं और इसके बजाय क्या है कि घरों के चारों ओर दरवाजे और खिड़कियां पाई जाती है? और उसका कारण भी है कि ये चोरी करने वाली जनजाति है, तो अगर कहीं भी पकड़ने का डर रहता है तो कहीं से भी चले भी जाते हैं निकल के। तो ये है कंजर जनजाति, ठीक है। तो दोस्तों ये कंजर जाति के बारे में कुछ तथ्य थे जो हमने किए थे राजस्थान की कला और संस्कृति के संबंध में। ये सारे तथ्य हमने युक्ति पब्लिकेशन की बुक से लिए हुए हैं, जिसको आप भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। अब जानते हैं हम कथोड़ी जनजाति के बारे में। देखिए, कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो उदयपुर और बारां जिलों में कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। खेर के तनों से हांडी प्रणाली द्वारा कथा तैयार करने वाली जनजाति कौन सी है? कथोड़ी जनजाति है। कथोड़ी जनजाति के लोग मूलतः कहाँ के निवासी है? ये महाराष्ट्र के हैं। कथोड़ी लोग घास फूस और पत्तों और बांसों से बनी झोंपड़ियों में रहते हैं। इनके घर को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इनके घरों का नाम से हम घरों को हम खालरा के खोलरा के नाम से जानते हैं। कथोड़ी जनजाति की स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ियां पहनती हैं, इसे क्या कहते हैं? फड़का। ध्यान रख लीजिएगा, कथोड़ी जनजाति की जो स्त्रियां हैं मराठी अंदाज में साड़ियां पहनती हैं और ये फड़का के नाम से जानी जाती है। कथोड़ी समाज के मुखिया को नाम है नायक। तो दोस्तों ये अपनी सीरीज का पार्ट था। आज हम यहाँ पर राजस्थान जनजाति के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हमने आपके लिए लेके आया। उम्मीद करूँगा सारे आपको तथ्य अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला अपना है वो एक डांस के ऊपर होगा, या एक नए टॉपिक के साथ हम कला संस्कृति के लेके आएंगे, और ये सारे तब तक कराते रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण बुक से तथ्य लेके आते रहेंगे, चाहे वो आपकी ज्योग्राफी के हो या कोई भी अन्य हो। तो अपने यार अनुभव जरूर शेयर किया करो, और अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि यार इस बुक का ये क्वेश्चन आपको मिस प्रिंटिंग लगता है या कहीं पर भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है, तो उसको भी आप कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कर दिया करो। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।